Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Our today's topic is normal and absolute values of blood. हम देखेंगे normal और absolute value देखेंगे blood की और blood के components की. आइए शुरू करते हैं. Blood elements देखेंगे कौन कौन से होते हैं, उसकी normal values और उसकी absolute values. Blood elements में blood के अगर मैंने आपको पढ़ाया है formation एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो सबसे पहले फॉर्मेशन वाली क्लास देखिए कि ब्लड एलिमेंट्स बनते कैसे हैं. उसके बाद उसमें के मैंने कंपोनेंट्स पढ़ाया है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किसके कारण वो बढ़ जाते हैं और किस चीज़ के कारण वो घटते हैं, ठीक है. और आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नॉर्मल वैल्यूज़, कि उनमें इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या है. तो ब्लड एलिमेंट्स में आते हैं आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 टू 5.5 मिलियंस. कितनी होती है? 4.5 टू 5.5 मिलियंस. और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 5 मिलियंस. आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ वैल्यूज आपके पास जो लिखी हैं वो उसमें अलग है और मैं जो बोर्ड पे लिखाया वो अलग है, तो ना आपके पास की गलत है ना ही मेरे पास की गलत है. मैंने भी कहीं बुक से और किसी जगह से माध्यम से ही आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ. हर लैब का और उनके जो तरीका होता है वैल्यूज़ देने का, हर लैब का अलग अलग होता है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है, माइनर डिफरेंस आता है और मेजर डिफरेंस नहीं आता है. जैसे कि कोई आपको लिखाएगा 4.5 टू 5.5 मिलियंस और कोई लिखाएगा आपको 4.5 टू 6.5 मिलियंस. मतलब इसमें ऐसा थोड़ा बहुत जो वैल्यूज़ में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हर लैब अपने अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो नॉर्मल वैल्यूज सेट करती है, ठीक है. और जो बुक में भी है, बुक वाले भी जो लिखते हैं वो भी किसी ना किसी लैब के स्टैंडर्ड्स को लेकर ही लिखते हैं. तो ये मत सोचिएगा कि ये अलग है या वो अलग है, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ये भी सही है और आपके पास भी सही है. अगर आप एग्ज़ाम्स में लिखेंगे इसको तो ये बिल्कुल आपका कोई नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है. तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यूज़. तो रेड ब्लड सेल की क्या होती है? 4.5 टू 5.5 मिलियंस. और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट यानी आखिर में जितनी वैल्यू निकलती है, यानी इकट्ठी जो वैल्यू होती है, यानी जो लास्ट वैल्यू, यानी यहाँ तक बढ़ सकता है वो रही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. और नॉर्मल वैल्यू यानी नॉर्मल तो इतनी होती ही है, और एब्सोल्यूट यानी ज़्यादा संख्या में जब उसकी वैल्यू होती है एक, वो एक अलग होती है, ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स की कितनी होती है? 4000 टू 11000. और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? कितनी होती है? 11000, यानी 11000 तक ये बढ़ता है. और इन्फेक्शन वगैरह जैसे अगर हुआ तो उसमें वो ज़्यादा बढ़ जाती है डब्ल्यूबीसी की मात्रा, है ना. और आरबीसी की कम हो जाती है. मैंने आपको एनीमिया पढ़ाया है इसके पहले. अगर आपने मेरी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस वाली क्लास नहीं देखी है तो उसमें आप सबसे पहले पढ़िए कि क्यों डिक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, क्या वेरिएशंस आ जाते हैं जिनके कारण ये सेल्स कम हो जाती हैं जब बढ़ जाती हैं. तो रेड ब्लड सेल्स में क्यों हो जाता है? एनीमिया के कारण कम हो जाता है और बढ़ भी जाता है किसी किसी में, पॉलीसाइथिन में बढ़ जाता है. वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन के कारण क्या होती है? बढ़ जाती है. और कुछ क्रोनिक या ड्रग्स के कारण क्या होता है? ड्रग्स उनको डिप्रेस कर देता है तो वो घट भी जाती है, ठीक है. अब होते हैं ग्रैन्यूलोकोसाइट्स. व्हाइट ब्लड सेल्स में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक ग्रैन्यूलोकोसाइट्स और एक अग्रैन्यूलोकोसाइट्स. ग्रैन्यूलोकोसाइट्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी दाने होते हैं, है ना. ग्रैन्यूल्स यानी दाने, समझ लो आपकी भाषा में अगर बताऊँ तो ग्रैन्यूल्स यानी दानेदार होती है. और अग्रैन्यूलोकोसाइट्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें दानेदार नहीं, जिनमें लोब्स नहीं होते, ठीक है. ग्रैन्यूलोकोसाइट्स में लोब्स होते हैं और अग्रैन्यूलोकोसाइट्स में लोब्स नहीं होते हैं, ठीक है. तो ये कितनी होती है? 60-70% होते हैं ये आपके बॉडी में, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 66% होते हैं. अब ग्रैन्यूलोकोसाइट्स में कौन कौन से सेल आते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल. कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल. न्यूट्रोफिल क्या करता है? न्यूट्रोफिल में आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपको होता है तब न्यूट्रोफिल का प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी में, वो बढ़ जाता है. जैसे कि समझ लो ये आपकी है लैब की रिपोर्ट. ये मैं आपको नॉर्मल एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ये समझ लो ये है आपकी लैब की रिपोर्ट. और आपको आपकी लैब की रिपोर्ट को समझना है, एक आम इंसान भी अगर इसको देख रहा है तो आपको अगर आपकी लैब को रिपोर्ट को समझना है तो आप ये देखिए, वीडियो को देखिए आप सबसे पहले, ठीक है. तो अगर न्यूट्रोफिल बढ़ गया
न्यूट्रोफिल क्यों बढ़ता है? जब आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है क्या, न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। और घटता क्यों है? कोई क्रॉनिक आपने डिसीज हो गई हो आपको, या तो आपने कोई ऐसा ड्रग लिया हो जिसने आपके न्यूट्रोफिल को डिप्रेस कर दिया हो, या आपके स्प्लीन का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है जिसके कारण क्या होता है, न्यूट्रोपेनिया हो जाता है और न्यूट्रोफिल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब है बेसिनोफिल। बेसिनोफिल कब बढ़ता है? जब आपकी बॉडी में कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है? पैरासाइट के द्वारा अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो बेसिनोफिल बढ़ जाता है। अब बेसिनोफिल क्या करता है? न्यूट्रोफिल तो क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया को, यानी खा जाता है। पर पैरासाइट में क्या होगा, जैसे कोई वर्म यानी कोई इल्ली नुमार कोई कीड़ा जिसको वर्म बोलते हैं, वर्म का कोई इन्फेक्शन हो गया है ना, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स या इस टाइप के कोई वर्म्स आपके अंदर हैं, इंटेस्टिन्स में हैं, तब उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा है ना। जैसे कीरम के हो जाते हैं ना, क्रीमिंग कीरम हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, बेसिनोफिल ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिसके द्वारा क्या होता है, जो वर्म्स रहते हैं अपने आप उस केमिकल से भाग के आपके बॉडी के बाहर आ जाते हैं। क्योंकि बेसिनोफिल जो वर्म है, जो पैरासाइट है, पैरासाइट का साइज बड़ा रहता है तो उसको खा नहीं सकता, तो ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसके द्वारा क्या होता है, अपने आप इवेंचुअली जो पैरासाइट है आपकी बॉडी के बाहर आ जाता है। तो बेसिनोफिल कब बढ़ता है, जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो। और कितना परसेंट रहता है, 0 to 5 to 2%। और नॉर्मल एब्सोल्यूट वैल्यू की 33 की 1%। ये कम इसलिए रहती है क्योंकि आपकी बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शन बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल आपको मलेरिया हुआ तो मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। आपको डायरिया हुआ, डायरिया में आपको कोई चीज़ हो गई, उसमें भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, बेसिनोफिल बढ़ जाता है। इसलिए बेसिनोफिल की जो वैल्यू है वो हमेशा कम ही रहती है, जब कोई इन्फेक्शन हो तभी बढ़ता है। और इसिनोफिल की इसलिए ज़्यादा रहती है कि आप आए दिन किसी न किसी बैक्टीरिया से आपकी बॉडी लड़ते रहती है, ठीक है। उसके लिए उसका जो ज़्यादा होना संख्या में ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है इसिनोफिल। इसिनोफिल कितना रहता है, 1 to 20% एज पर नीडेड। और कितना होता है, 1%, ये भी ज़्यादा नहीं होता है। जब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, कोई गंभीर इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होता है तब इसिनोफिल की वैल्यू बढ़ती है। अब है अग्रणी ल्यूकोसाइट। अग्रणी ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जिनमें लोब्स नहीं होते, जिनके न्यूक्लियस के अंदर लोब्स नहीं होते, ठीक है, ग्रेन्यूल्स नहीं होते, वो कितने होते हैं, 20 to 30%। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 25% इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। लिम्फोसाइट में कौन से सेल्स होते हैं, अग्रणी ल्यूकोसाइट्स में कितने होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दो प्रकार के सेल अग्रणी ल्यूकोसाइट में होते हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे थे हम, अग्रणी ल्यूकोसाइट्स देख रहे थे, अग्रणी ल्यूकोसाइट्स में होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं और मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट क्या एक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, ये भी सेल डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करते हैं, यानी कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपके आते हैं या शरीर के अंदर कोई बाहरी चीज़ आती है तो ये भी क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करते हैं, उससे लड़ते हैं ये। कि कहाँ होते हैं लिम्फोसाइट्स, ये आपके ऑर्गन्स में होते हैं। कायम होते हैं ये ऑर्गन्स में होते हैं, ऑर्गन्स में रह के आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। और बाकी के जो कहाँ होते हैं ये अग्रणी ल्यूकोसाइट्स, कहाँ पे होते हैं ये ब्लड में होते हैं। कायम होते हैं आपके ब्लड के अंदर रहते हैं, और ब्लड के द्वारा कोई इन्फेक्शन होता है उसको ये हील करते हैं और डिफेंस करते हैं, ठीक है। और अग्रणी ल्यूकोसाइट्स कहाँ पे होते हैं, ये ऑर्गन्स में होते हैं। तो अगर आपका कोई टेस्ट हुआ उसमें अगर ये बड़े हुए हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट बड़े हुए हैं, इसका मतलब आपके ऑर्गन्स में कोई डिफेक्ट है, आपके ऑर्गन्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या कोई इंजरी अंदर हुई है, इसलिए लिम्फोसाइट या मोनोसाइट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट कैसे बढ़ के नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4 to 8% होते हैं लिम्फोसाइट, और इसका एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, 5%। और मोनोसाइट की कितनी वैल्यू होती है नॉर्मल, 2 to 5% मोनोसाइट होते हैं, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 3%, ये ज़्यादा नहीं होते हैं। मोनोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक लार्ज मोनोसाइट और एक स्मॉल मोनोसाइट, ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। तो अब हमको उतना उसमें नहीं जाना है, आज हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ इसके नॉर्मल एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज देख रहे हैं, ठीक है। अब आता है सबसे लास्ट में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट कितना होता है, 1.5 to 3 लाख, 1.5 to 3 लाख प्लेटलेट्स होते हैं,
और उसकी नॉर्म एवरेज जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 3.5 लाख होती है, यानी एब्सोल्यूट यानी इतनी हद तक ये बढ़ जाता है पर, है ना, लोगों में, ठीक है। और ये भी नॉर्मल एब्सोल्यूट जो है ये भी नॉर्मल में आएगा, और नॉर्मल वैल्यू तो नॉर्मल में है पर ये भी नॉर्मल में ही आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं आने अधिकतर, ये वाला पार्ट जो बड़ा हुआ पार्ट है इसका यहाँ तक एंड ऑफ पार्ट में आता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, नॉर्मल एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड कंपोनेंट्स की हमने नॉर्मल और एब्सोल्यूट वैल्यू देखी, कितने टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं वो देखे, किस कारण कौन सा कंपोनेंट बढ़ जाता है और किस कारण कौन सा कंपोनेंट घट जाता है हमने वो देखा, उसकी नॉर्मल और एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमने देखा, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं और अग्रैनुलोसाइट्स को भी हमने समझा, और डब्ल्यूबीसी तो अलग ही होता है, डब्ल्यूबीसी 4.5 to 5.5 billion होता है, डब्ल्यूबीसी का बढ़ना यानी आपको हीमोग्लोबिन का बढ़ना, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन क्या एक्ट करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कौन सा पिगमेंट होता है, एक ऑक्सीजन कैरी करने वाला पिगमेंट भी बोलते हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है। हीम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन की मैं एक अलग से क्लास लूँगा जिसमें आपको हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस, उसका प्रोडक्शन, हर एक चीज़ हीमोग्लोबिन की मैं आपको उसको समझाऊँगा, अभी हम सिर्फ इसका नॉर्मल वैल्यूज देख रहे हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स क्या मैंने बताया 4 to 11,000 होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है 11,000 होती है वाइट ब्लड सेल्स की। उसके बाद आते हैं वाइट ब्लड सेल्स में दो प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स होती है, एक अग्रैनुलोसाइट होती है और एक ग्रैनुलोकोसाइट होती है, क्या। तो फिर हमने देखे, सबसे पहले हमने क्या देखा, अग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट में होते हैं सॉरी ग्रैनुलोसाइट देखे हमने, सबसे पहले हमने देखे ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट्स में होते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ईसोनोफिल, ठीक है। और अग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और फिर लास्ट में क्या आता है प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा, नॉर्मल और एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ आपके ब्लड के कंपोनेंट्स की, ठीक है।